आप देख रहे हैं वसई सत्ता एक निष्पक्ष आवाज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। नालासोपारापुर में सरेआम चली गोलियां। जी हां, 14 फरवरी की रात 9:30 बजे के आसपास नालासोपारापुर मोरे गांव में सरेआम गोलियां चलने की खबर सामने आई है, जिसमें दो व्यक्ति घायल हुए हैं। एक मामूली घायल हुआ है जिसे विजयनगर अस्पताल में भर्ती किया गया, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे रिद्धि विनायक में रेफर कर दिया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में तुलिंज पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक राजेंद्र गामली ने मीडिया को शुरुआती जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अभी यहाँ पर जो है दो लोगों के ऊपर फायरिंग हुआ है, एक के सर में और एक के सर में वार किया है और पीठ पर राउंड फायर किया है, और जो जख्मी है उनको अभी हॉस्पिटल में उनके ऊपर उपचार चालू है। कितने राउंड फायरिंग हुई? 4 राउंड फायर हुए, उसमें से एक मिस राउंड है और 3 राउंड लगे हैं और एक को सर में चोट है। ज़्यादा कुछ तलवार वगैरह कुछ हथियार घटना की कुछ वजह पता चली है क्या? हथियार जो है वो अभी स्पॉट पर ही वेपन है उसमें। लगभग कितने जन थे? 3 लोग थे ऐसा अभी प्राइमरी तौर पर तो पता चला। जख्मी लोगों का नाम क्या है? जख्मी लोगों का नाम अभी बताएंगे हम आपको, जख्मी लोगों का नाम और पूरा हम डिटेल दे देंगे। अभी तो ये प्राइमरी तौर पर ये हमारा चल रहा है। समय क्या बताया जा रहा है कि कितने बजे घटना हुई? ये 9:15 या 9:30 बजे के बीच की ये घटना है। वसई विरार की सभी प्रकार की खबरें देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वसई सत्ता, साथ ही शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।